అయోధ్యలో ప్రియాంక గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. माफ करेंगे जिसके लिए देश के 317,000 करोड़ रुपए मिले उनको, वो रुपए कहां से मिले उन्हें ये बताइए. कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों के लिए एक योजना जिसमें हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना मिलने चाहिए, उसके लिए खाते में पैसे नहीं है उनके देश के. लेकिन उद्योगपतियों के ऋण माफ करने के लिए आपको 317,000 करोड़ मिल गए. आप सोच सकते हैं कि ऐसी सरकार के मन में कौन है, अमीर है कि गरीब है, आपकी भलाई है कि अपनी भलाई है, सोच सकते हैं आप. मैंने आपसे कहा कि मैं क्या क्या देखती हूँ. मैं भदोही गई, भदोही में बुनकर मिले. में से बुनकरों ने मुझे बताया कि जीएसटी की वजह से उनके तमाम उद्योग बंद हो रहे हैं, कि जब वो कालीन बुनते हैं तो कालीन का धागा अलग जीएसटी, कालीन का रंग अलग जीएसटी. इतने त्रस्त थे. मुझे एक बुनकर ने कहा मेरे घर आइए. मैं उनके घर गई. उन्होंने मुझे दिखाया कि उनके छप्पर में से पानी गिरता है. उन्होंने कहा ये मेरी स्थिति बन चुकी है. उसके बाद मैं गंगा यात्रा पर गई. मुझे मल्ला भाई मिले एक. उन्होंने मुझे कहा कि मेरे 10,000 परिवारों के पट्टे यहां से छीने गए हैं. जो हमारी आपकी सरकार में हमें लाइसेंस मिलता था बोट के लिए, अपनी नाव के लिए, वो भी नहीं मिलता. फिर मैं महिलाओं से मिली, आशा बहुओं से मिली.